नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे BPSC TRE 2.0 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्त, इस वीडियो में देखेंगे कि हमारा एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, पूरी अपडेट हम देखने वाले हैं। जी हाँ, जो भी बच्चे शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आज लास्ट डेट है, आज अंतिम मौका आपके पास रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अतुल सर का एक नया ट्वीट आया था कि TRE 2.0 एग्जाम शेड्यूल्ड ऑन 14, 15, 16 जो दिसंबर का था उसको 7, 14 और 15 कर दिया गया है। ठीक है, कुछ बड़ी अपडेट्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। बीपीएससी टीचर्स पे स्ट्रक्चर नवंबर 2023, ठीक है, आपकी कितनी सैलरी बनेगी इसको भी आप यहां पर देख सकते हैं। नेट सैलरी 1 to 5 में आपकी बनेगी बेसिक 25,000 है, 6 से 8 में 28,000 बेसिक है, जो नेट सैलरी 40,000, 45,000, 49,000, 51,000, 48,000। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ क्लियर किया गया, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से एक नोटिस जो आई थी, जो हमारे पेपर की डेट शीट थी, उसमें बदलाव किया गया। शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया। 14, 15 और 16 की परीक्षा अब 7 तारीख 14 और 15 दिसंबर को होगी। ठीक है, एक और अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी देखिए, यूपी में भी पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, राय जी कह रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, माह अंत तक अपलोड होगा एडमिट कार्ड, अभ्यर्थियों को भरना होगा रोल नंबर। तो एक एक करके दोस्तों, आज की तमाम बड़ी खबर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ही देखिएगा। कई परीक्षाएं 16-17 तारीख को है, परीक्षा तिथि टकराने को हो रहा है असमंजस। लेकिन आपको बता दें, कोई भी बच्चा बीपीएससी का एग्जाम तो नहीं छोड़ेगा, भले कोई पेपर छोड़ दे। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर भैया झटपट आपको नौकरी मिल जाती है, बाकी जगह तो पेपर ही होगा, रिजल्ट कब आएगा भगवान जाने। तो इस अपडेट को जरा देखते हैं पहले। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए 7 से लेकर 16 दिसंबर तक ली जाने वाली परीक्षा के लिए बीपीएससी ने जिलों से सेंटर की सूची मांगी है। 27 नवंबर तक यह मिलने की संभावना है। माह के अंत तक शिक्षक अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड अपलोड किया जाएगा। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि एडमिट कार्ड में उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर पहले से भरने का प्रावधान किया जाएगा, ताकि वे किसी भी गलती से बचने के लिए अपनी परीक्षा के दौरान OMR सीट पर इसे कॉपी कर सकें। ठीक है, 7 दिसंबर संगीत कला, ये पेपर के 2 से लिखा, 8 तारीख को कौन सा होगा, 9 तारीख को क्या होगा, 10, 14, 15। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं ये सब, इसको जरा ध्यान रखेंगे। और परीक्षा की तैयारी में आप लोग लग जाइए जी जान से, इस बार आपको नौकरी लेकर ही रहना है। 1,20,000 से ज़्यादा पद, 1,22,000 लगभग, तो इस बार आपको अपनी नौकरी कन्फर्म कर लेनी है। तो एक बात और आप बता दें, आने वाले समय में PRT में लगभग 50,000 पदों पर वैकेंसी देखने को मिल सकती है। KK पाठक सर का एक बयान आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, ठीक है, तो उसमें कह रहे थे, लेकिन वो अगले साल तक उसकी उम्मीद है, नेक्स्ट ईयर 2024 में। फिलहाल अगर आप 23 में ही नौकरी चाहते हैं तो भैया तैयारी में लग जाइए। 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद में हाईकोर्ट ने तय किया आरोप। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, यूपी की ये वैकेंसी आई थी 2019 में, और दोस्तों देखिए आज तक मामला कोर्ट में चल रहा है, आज 2023 चल रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप बीपीएससी में लगे हैं, नौकरी चाहते हैं, तो झटपट कैसे न कैसे आपको नौकरी लेकर जाना है। ठीक है, उसमें आरक्षण में थोड़ा बदलाव किया गया था बिहार में। बीपीएससी TRE का सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में आएगा, उम्मीद है कि 30 नवंबर तक TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए। तो इसके लिए भी दोस्तों आप लोग तैयार रहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की उम्मीद है TRE 1 का, ठीक है ना। तो देख सकते हैं, तो परीक्षा की डेट में थोड़ा सा बदलाव किया गया, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट की बैठक 28 तारीख को होने वाली है। कांग्रेस सरकार अगर यूपी में आती है तो पुरानी पेंशन लाएगी, अजय राय जी कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक बात आपको बता दें, इस बार वैकेंसी में आपको अपेयरिंग छात्रों को मौका नहीं दिया गया, जो कि छात्रों के साथ एक बहुत ही बड़ी नाइंसाफी हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों का सीटेट या DLED या BEd चल रहा था, मतलब होता है ना, सीटेट का जैसे पेपर हमारा 21 जनवरी को होने वाला, 21 जनवरी 2023 को, ठीक है, तो उस वजह से बहुत से बच्चों को मौका नहीं मिला, जो कि उनके साथ हम कह सकते हैं बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है। ठीक है, सीटेट जनवरी 2024 जो लास्ट डेट की अपडेट होगी उसको हम देखेंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, तैयार रहिए दोस्तों, 1 to 5 में आपको एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। बीपीएससी TRE PRT 2.0 का जो भी विज्ञापन आता है या जो भी अपडेट आती है, उस अपडेट को भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, कोई भी लापरवाही आपको नहीं करना है। बाकी अतुल सर का जो भी ट्वीट आता है या जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस KK पाठक सर का, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। फिलहाल सैलरी देखिए, सैलरी जबरदस्त है, आपकी पेंशन आप देख सकते हैं 14% के हिसाब से यहाँ पर 3500 रुपये, 3920 रुपये, या जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी 44,000 रुपये प्राइमरी लेवल पर, और जूनियर लेवल पर 49,050 रुपये, ठीक है ना। तो हेडमास्टर प्लस 2 की जो सैलरी बनेगी 60,000 रुपये,
ठीक है, लेकिन जो नेट सैलरी आपकी रहेगी इन हैंड आपको मिल सकती है वो ठीक है मिलेगी 40,630 रुपये। एचआरए आप देख सकते हैं कितना मिल रहा है, मेडिकल आपको कितना मिल रहा है, ठीक है डीए आपको कितना मिल रहा है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आती है अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखिए ये सब कुछ जोड़कर 25,000 में 11,000 जोड़ते हैं ठीक है ना, और 1,000 ये ऐसे ये जोड़कर तब आपकी सैलरी ये बनती है, और जो पेंशन अगर 3,500 जोड़ेंगे तो ये सैलरी आपकी फाइनल आती है। ठीक है तो ठीक है तैयारी में लग जाइए, और जरा इस अपडेट को भी देखते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तिथि बदलाव किया है। पहले से तय 14, 15 और 16 दिसंबर को होने वाली परीक्षा क्रमशः 7, 14 और 15 दिसंबर को होगी। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है। देखिए एक्स का मतलब क्या, पहले इसका नाम ट्विटर हुआ करता था ठीक है, इसको थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया। जरा देख लेते हैं अतुल सर का जो ट्वीट आया था यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए ठीक है। बाकी एडमिट कार्ड को लेकर भी इन्होंने अपडेट दे दिया है ठीक है, तो तैयार रहिए दोस्तों, और जो भी अपडेट आती है अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ठीक है। सोशल मीडिया के अफवाह से भी आपको बचते, कि सोशल मीडिया पर होता है क्या ना, तरह तरह की अफवाहें चलती रहती हैं, इस वजह से बच्चे और भी ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है और अफवाहों का दौर ठीक है, जो बाजार होता है वो काफ़ी गर्म होता है। एक बात और आपके मन में होगा कि इस बार जो फाइनल है मेरिट है वो क्या जा सकती है, क्या लास्ट टाइम तो देखिए आपको बता दे जो 6 से 8 की मेरिट है वो थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर डीएलएड के साथ साथ बीएड के छात्र भी सम्मिलित होंगे। लेकिन आपको बता दें जो पेपर टू है ना, चाहे सीटेट का हो चाहे बीटेट का, बिहार टेट, ज्यादा बच्चे क्लियर करके नहीं बैठे थे, उस वजह से इतने ज्यादा आवेदन इस बार देखने को नहीं मिले जिस हिसाब से आपको प्राइमरी में देखने को मिले थे। अपेयरिंग छात्रों में दिक्कत क्या हुई कि बहुत से बच्चों का सीटेट क्लियर नहीं हो पाया, मौका तो मिल गया, भले उनका बीपीएससी क्लियर हो गया अपेयरिंग या सीटेट नहीं हो पाया या कुछ ऐसी दिक्कतें आई, इस वजह से दोस्तों इस बार परीक्षा में आपको बड़े बदलाव देखने को मिला, क्या पेरिंग छात्रों को ही सीधे बाहर कर दिया गया, कोई मौका नहीं मिला ठीक है ना। तो सोशल मीडिया की जो अफवाहें हैं उससे बच के रहना है, और तैयार रहिए दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, जल्दी आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी एडमिट कार्ड को लेकर भी ठीक है। फॉर्म भरते समय अगर आपने कुछ गलती की होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, और बाकी ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। जिन बच्चों का फॉर्म नहीं भरा है तो आज लास्ट डेट रहने वाली 25 नवंबर ठीक है, आज के बाद आपको मौका नहीं मिल पाएगा। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया जहाँ से आप लोग आवेदन कर सकते हैं ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, और तैयारी में लग जाइए। उत्तर प्रदेश में भी 51,112 जैसी बड़ी बड़ी वैकेंसी प्राइमरी लेवल पर देखने को मिलेंगी आने वाले समय में, तैयार रहिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।